दोस्तों फाइनल हो चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, लोन कैसे मिलेगा और क्या प्रोसेस रहने वाली है, कितने का लोन मिलेगा, किस लेंडर के जरिए से मिलेगा और क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा कुछ दोस्तों जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 99% दोस्तों ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए यहाँ पर 100% न्यू होने वाली है, लेटेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है। इस एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई है, तो ये चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आई है वीडियो, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। रिव्यू करने के साथ साथ लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर बताने वाले हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अलावा भी आधार और पैन कार्ड से आप घर बैठे लोन, मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, बड़ा लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप इजी इंस्टॉलमेंट में मंथली वाइज मंथली लोन की चुकता कर सकते हैं। 15 से 20 ऐसे एप्लीकेशन से मैंने खुद लोन लेकर आपको दिखाया है। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक आपको मिल जाएगी। हर एक एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है जिसमें कि लोन लेकर दिखाया गया है, वो भी आधार पैन के बेस पे। तो चलिए जानते हैं आज एक और एप्लीकेशन के बारे में जिसके अंदर आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देखने को मिलेगा, या तो क्रेडिट लाइन आपको यहाँ पर मिलने वाली, कैसे मिलेगा वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। यहाँ पर बस छोटा सा डॉक्यूमेंट आपको देना है, कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको लोन मिलेगा, उसके आधार पर आपको यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लाइन मिलता है। कैसे ये काम करेगा सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। ये एप्लीकेशन का नाम भी जैसा कि देख सकते हैं पोको क्रेडिट, ठीक है, पोको क्रेडिट के नाम से एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन बिल्कुल लेटेस्ट है और देख सकते हैं 4.4 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और राइट साइड में देख सकते हैं 10,000 ही एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड किया गया है। चलिए इंस्टॉल करने से पहले हमें ये तो जानना जरूरी है कि आखिर ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। पहले रिव्यू करना काफ़ी जरूरी है, जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो लोन अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है पुअर क्रेडिट, जो कि यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट प्रोडक्ट या फिर क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रदान करती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर LOC लाइन ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर क्या है आपको ये सारा चीज़ बता दे रहे हैं। जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, आपकी लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, मैरिज, हाउस, लाइबिलिटीज को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर लोन की लिमिट ऑफर करी जाएगी। समझ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, RBI जो भी है रेगुलेटेड के जरिए से ही दोस्तों यहाँ पर एक क्रेडिट लाइन निकल के आएगी। हालांकि कहीं भी लेंडर की यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, खुद को बताती है और सेफ और सिक्योर भी बताती है। बाद में हम चीज़ें देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। अगर एप्लीकेशन वाकई में सही रहा, किसी वाकई में लेंडर्स के जरिए से डिजिटल या फिर RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन मिल रहा है, तो आगे हम प्रोसेस के ऊपर बढ़ेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है ये भी समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट। हालांकि इन्होंने यहाँ पर कहीं भी जिक्र दोस्तों यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर क्रेडिट बेस्ड फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों कहीं भी चीज़ें ये जिक्र नहीं किया गया है कि आपको कितने महीने से लेकर कितने महीने तक का लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने यह चीज़ जरूर बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन, क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट प्रोवाइड बाय द पोको क्रेडिट, यानी पोको क्रेडिट के जरिए से आपको क्रेडिट लाइन आपको जो मिल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग वेरियंट के ऊपर मिल रहे हैं, जैसे कि 5,000, 1,20,000। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पर बताया है, स्टार्टअप में आपको 12% से लेकर साल का 24% लगेगा। यहाँ पर देखिए नीचे में आपको आने के बाद देखने को मिलेगा भैया 91 दिनों से लेकर 365 दिनों का समय मिल सकता है लोन भुगतान करने के लिए। प्रोसेसिंग फी 80 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच लगेगा, वो भी 18% GST के साथ आपको यहाँ पर दोस्तों देने होंगे। मान के चलिए अगर आप यहाँ पर 36,000 का लोन लेते हैं, ठीक है, या फिर 18,000 का, तो ऐसे में आप इसके ऊपर आपका लगाया जाएगा 24%, ठीक है। एनुअल परसेंटेज रेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ पर 150 दिनों के लिए, यानी कि लगभग देखा जाए 3 से 4 महीनों के लिए अगर आप लोन लेते हैं, तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग फी आपको 300 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। मंथली वाइज मंथली आपका 4,026 रुपये यहाँ पर लगेगा। टोटल आपको लोन रिपेमेंट कर देना होगा 20,129 रुपये। तो यहाँ पर जो भी आपको लिमिट मिलेगा पोको क्रेडिट के जरिए से मिलेगा, जो कि हालांकि इस एप्लीकेशन का नाम है, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बताया है कि देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लिमिट मिल रहा है, यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया कि किसी भी लेंडर के जरिए से मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने ये भी बताया है कि हम थर्ड पार्टी लेंडर के जरिए से हम पर्सनल लोन इशू नहीं करते हैं। तो भैया जब आप नहीं करते हैं तो किसी के जरिए से कर रहे हैं, जिस किसी से भी कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर डिनोट करना चाहिए था। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनके ईमेल की तरफ जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया सारे ऑनलाइन प्रोसेस होने वाले हैं,
फास्ट अप्रूवल मिलेगी, फास्ट डिसबर्समेंट होगा, मल्टीपल लोन रिपेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी सारे चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेगा कि आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इनक्रिप्टेड रहने वाली है, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। भैया बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पर अगर भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह समझिए कि इनकम का सोर्स होना ही चाहिए। बाकी चीज़ें कहीं भी जानकारी दोस्तों नहीं दी गई है और यहाँ पर लोगों के मन में अब सवाल होगा कि भैया लोन अप्लाई करके भी दिखा दो। तो चलिए मैं यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर एप्लीकेशन सही लगेगी तो आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए सिंपली एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में हम इंस्टॉल करके फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर लॉगिन किया और एप्लीकेशन के अंदर में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 का लोन है जो कि 6 महीनों के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1,000 रुपये डे ओनली कॉस्ट 0.33, ये चीज़ क्या है मेरे को नहीं पता। यहाँ पर सेफ और सिक्योर के, यहाँ पर सिक्योरिटी की बात किया जा रहा है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन टर्म आपको मिलेगा, क्या है ये पता नहीं। और फास्ट फंडिंग और 100% पेपरलेस प्रोसेस है। चलिए ठीक है, ये अलग बात हो गई। हमें सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, नीचे ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कहा जाता है कि भैया आप यहाँ पर एक सेल्फी लीजिए। चलिए आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करते हैं और एक आपको यहाँ पर दोस्तों सेल्फी ले लेना है, कुछ इस तरह से हम सेल्फी ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखते हैं कितने एप्लीकेशन में सच्चाई है, क्या एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है या फिर नहीं। लेकिन अभी के हाल चाल से मुझे यही प्रतीत होता है कि एप्लीकेशन कहीं ना कहीं दोस्तों ये फ्रॉड कर रही है, या फिर चाइनीज एप्लीकेशन है या फिर फ्रॉड एप्लीकेशन है। आपको बिल्कुल भी एप्लीकेशन के बारे में जानने के बाद इंस्टॉल करके लोन अप्लाई मत करिए, मैं खुद आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस करके बता रहा हूँ। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। अब यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बताया कि भैया करेक्ट डिटेल के साथ यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल फोटो अपलोड करना होगा, ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर अपलोड कर लेना होगा और उसके बाद नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल फिलअप पहले कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया है और नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, मे भी यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल दोस्तों यहाँ पर मांगी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाता है, भैया आपका नाम आ गया, पैन कार्ड से उठा लिया गया। उसके बाद आप क्या करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद मैरिज इन्फॉर्मेशन देना है, भैया क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों देख लेना है। हाउस पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो भैया वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इनकम आपसे पूछी जाती है, भैया आपका इनकम क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल आप डाल लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर लोन ऑफ पर्पस डालना चाहते हो तो डालेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे, क्योंकि स्टार मार्क जो इंपॉर्टेंट है वही आपको दोस्तों यहाँ पर इनरोल करना है। उसके बाद नीचे से आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सारा डिटेल दोस्तों यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपसे रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर बताना होगा भैया कि आप मदर फादर या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर सन या फिर फ्रेंड का नंबर देना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर नंबर डालेंगे। जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा वो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक ये उठा लिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें नंबर ऑटोमेटिक आ रही है। और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपका फ्रेंड है कि क्या है, फिर दोबारा आपको यानी कि दो तरह का आपको कॉन्टैक्ट आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके आगे प्रोसेस होने वाले, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोई भी चीज़ यहाँ पर चूज कर लेते हैं और नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ चीज़ें ये नंबर नहीं ले रहा है, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज़ नॉट वैलिड, चलिए ठीक है, नीचे से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट के डिटेल आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, एक और ऐसी एप्लीकेशन थी जिसने हमें मेरे ही साथ दोस्तों धोखाधड़ी की थी और वो था एप्लीकेशन का नाम स्लाइस पर्सनल लोन एप्लीकेशन, के बारे में आपको बताया था। अगर आप उस एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट के डिटेल सिर्फ आप फिलअप करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसे इंस्टेंट आ जाएंगे, वो भी 6 से 7 दिन वाले एप्लीकेशन होते हैं। अगर आप इनके लोन के रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भैया आपको यहाँ पर आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से एप्लीकेशन ये काम करती, इसलिए मैं कहूँगा ये एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई नहीं करिएगा। मेरा काम तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी देना, एप्लीकेशन कैसे ये काम करती है, किस तरह से लोन प्रोवाइड कराती है, वो चीज़ें मेरा यहाँ पर काम था, मैंने आपको यहाँ पर कम्प्लीटली तरीके से बता दिया, लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ पर बस खाली बैंक अकाउंट की डिटेल देना है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ऑटो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये भी आपको बता दें कितने पैसे ट्रांसफ़र होंगे।
1500 होंगे या फिर 3000 का अप्रूवल मिले या फिर 1500 रुपये के मिले, वहाँ आपको 700-600 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको 3 से 4 दिन के बाद आपको लोन की रिपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। जब आप इनके लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कॉल करके आपको हरासमेंट किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से दोस्तों एक्टिविटी करेंगे जिससे आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई मत ही करिएगा। मेरा काम तो जानकारी देना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है लोन अप्लाई करना या फिर नहीं करना। इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई मत ही करिएगा। मैंने दोस्तों RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया, जिसमें कि 15 से 20 एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेकर दिखाया गया, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। डिस्क्रिप्शन पार्ट में दोस्तों हर एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।